हेलो विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मानसरोवर विद्याविहार पुनांगा सूरत। धोरण 7 विषय गुजराती हिंदी मीडियम। तो बच्चों, आगे हमने एकम 8 चरणों में ये एकम पढ़ लिया, उसका स्वाध्याय भी कर लिया। अभी दूसरा एकम है एकम 9 कदर। क्या नाम है उसका? एकम का नाम है कदर। कदर यानी हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? कदर करनी चाहिए, कद्र फिक्र। तो उसका लेखक जो है वो दौलत भट्ट है। दौलत भट्ट ये प्रस्तुत लोक कथा है और कथानायक वाला केसरिया कोई भी मुश्किली में पहचान के बिना मदद करने की भावना और उदारता प्रकट करता है। और जो राघोबा नाम का व्यक्ति है, वो राघोबा उमरेली का सूबेदार, सूबेदार यानी मोटा राजा, उसके बाद उसके इज्जत के, उसके आबरू के रखवाली करने के लिए, उसको याद करके उसकी कदर करने के लिए भूलता नहीं। ये लोक कथा इस पाठ में, ये पाठ 9वां है कदर। तो कदर का जो टाइटल दिया है, तो उस कदर कैसी कदर करनी चाहिए, कदर का उसे यहाँ पे महत्व दिया है। तो बच्चों, अभी मैं इस कदर पाठ की लोक कथा की जो समझूती थोड़ा पाठ की समझ में दे देती हूँ। कई बार ऐसे भी होते हैं मुश्किली के समय में, हमें जब किसी ने थोड़ी भी मदद की है तो हमारे उसमें जान आ जाता है, जान साबित हो जाती है। मुश्किली में हमें कोई भी व्यक्ति उपयोग हो जाते हैं तो उसको हमें आभार मानना चाहिए। और आभार मानने के लिए हमारे पास कुछ शब्द भी नहीं होता। अच्छा समय जब आ जाता है तब जिसने हमें मदद की थी, अनजान व्यक्ति ने, उसकी कदर करने के भूलना नहीं चाहिए। वो जिंदगी भर हमें याद रह जाता है और उसको भी, उसका कभी भी दुख पड़े तो उसमें भी उसका मदद करना चाहिए। उदार दिल वाला केसरिया और साचा कदरदान राघोबा की लोक कथा इस पाठ में प्रस्तुत की गई। किसकी कहानी है बच्चों? यहाँ पे ये लोक जो कथा है उसमें वाला केसरिया और साचा कदरदान राघोबा की, ये दोनों की लोक कथा इस पाठ में प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत लोक कथा में कथानायक वालों के सरियो खुद के पास जो जरूरत की चीजों और जरूरत की मुड़ी होती है, फिर भी वो व्यापार का धंधा करता है। किसी भी जात की पहचान के बिना मुश्किली में जो आदमी आ जाते हैं और वो परिवार जो आ जाते हैं उसे वो मदद करते हैं। रास्ते में जाते हैं तब खर्चा पानी निकालने के लिए वो घड़े को भी बेच देता है। मुश्किली में जब भी मुश्किली में जो कोई लोग आ जाता है तो ऐसे मुश्किली में राघोबा का एक लड़का था, उसका आँछू लूसने वाला केसरिया की यहीं पे बात की गई है। किसका आँसू लूछने वाला? राघोबा का एक लड़का था, उसका आँछू लूछने वाला केसरिया की बात की गई है। तो बच्चों, सदाई खुमारी में तरबड़ रहने वाले राघोबा और वाला केसरिया काम की कदर कर चुके हैं। राघोबा उमरौली के सूबेदार है और वे वाला केसरिया गायकवाड़ ताबा के गरणी जो गांव है
उगाम बख्शीश में दिया गया है। तो बच्चों ये बात, ये लोक कथा की शैली इस पाठ में रजू किया गया है। तो हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इस पाठ में क्या है, हम पढ़ते हैं और समझते भी हैं। तो चलो बच्चों हम पढ़ते हैं उसे। करुण की नदी आम तो नानकड़ी, नदी का क्या नाम है? करुण की। और ये कैसी नदी है? ऐसे तो छोटी सी नदी है, प्रवाह है पातलो। प्रवाह है यानी उसका बहने का जो प्रवाह वेग होता है, पातलो यानि थोड़ा सा। एनो काठो बारे मास लीलो कुंजर रहतो। काठो यानि किनारा, कुंजर यानि झाड़, पेड़, घटाधार पेड़। करुणिकोनो काठो चरी एना टोपरा जेवा पानी पीने पशुओं गाम में पाछा वड़ता। करुणी की जो नदी का नाम दिया है उसका किनारा कैसा है? चरी एना टोपरा जेवा, टोपरा जेवा यानि नारियल के पानी जैसा मीठा, उसका पानी पशु पक्षी गांव के लोग पी के फिर गांव में आ जाते हैं। किस नदी का बच्चों? करुण की नदी। छोटी सी नदी है, उसका प्रवाह भी थोड़ा सा है, लेकिन उसका पानी नारियल का पानी जैसा मीठा, सबको उपयोगी है। आवी रूपकड़ी करुणी का ना काठे, ऐसी रूपवान करुण की नदी के किनारे गरणी गाम आवेलू छे। गाम का नाम क्या दिया है बेटा? गरणी। गरणी नाम दिया गया है। गरणी गाम तो खोबा जेवड़ू पण एनी रूडो उड़ीने आँखे वड़गे एवी। गरणी गाम तो कैसा है? छोटा सा, खोबा जेवड़ू यानि थोड़ा सा, बहुत छोटा है, लेकिन रूडप उसकी सुंदरता, रूडप यानि सुंदरता, उसकी सुंदरता तो आँखें बढ़ गए यानि आँख पे छा जाए ऐसे। गांव छोटा है, करुण की नदी के कांठे है, किनारे है, और छोटा सा गांव है, फिर भी इतना रूपवान गांव है, सबको पसंद आ जाए ऐसा गांव। तो आगे देखो बच्चों, गांव में वसनारा मानसो ओलदल, ओलदल यानि दिलावर यानि दिलदार। ये रूपकड़ी नदी के किनारे जो गरणी गांव बसता है छोटा सा, उस गांव में रहने वाले लोग भी कैसे है? ओलदल यानि दिलदार, दिलदार। तेमा सौ करता सवायो एक आदमी वालो, उसमें से सबसे ज्यादा, अच्छा एक आदमी वालो, वालो का पूरा नाम क्या? वालो केसरिया। जातनो चारण, उसकी जात क्या है? चारण की जात है। तेनो धंधो घोड़ा बेचवानो, उसका धंधा क्या था? घोड़े को बेचने का धंधा था। घोड़ा बेचना और लेने का धंधा था। नानपण थी ज एने घोड़ा साथे भारे हेत प्रीत, छोटे थे तब से घोड़े के प्रति उसके बहुत लगाव प्रेम था। अरबी पंजाबी कच्छी अने काठियावाड़ी घोड़ा वाला केसरियाना तबेला में हण हणाटी करे। कौन कौन से एरिया से लाते थे? अरबी पंजाबी कच्छी और काठियावाड़ी। घोड़े घोड़ाओं वाला केसरिया के जो तबेला था घोड़े बांधने के लिए, उसमें हन हनाटी करते थे। आवो वालो केसरियो एक दी वड़ोदरा में जाने उभो रहो, ऐसा जो वालो केसरिया जो थे एक दिन ये बड़ोड़ा में जाके खड़ा रह गया। मीट मांडता ज मन ठरी जाए एवा घोड़ा जोईने सब राजी राजी थी गया। मीट यानि नजर, देखते ही मन में क्या हो जाए? देखते ही मन में
लेने का मन कर जाए ऐसा घड़े को देख के। लोगों तो बहुत राजी राजी थी गया, राजी राजी यानी बहुत खुश हो गया। 1000 रुपयानी वासणी केडीए बांधीने निकलेला केसरियानी वासणीमांथी वाट खर्चीमां 500 रुपया तो वपराई गया हता। 1000 रुपया यानी 1000 रुपया लेके वासणी केडे या बांसुरी केड में कमर में बांधी थी और बांध के वो निकला हुआ था। और केसरिया वे बांसुरी में से जो रास्ते में जाते थे घड़ा बेचने के लिए, तो बरोड़ा पहुंचते समय जो बीच में जो रास्ते में उसका खर्चा पानी जो था ये 500 रुपया तो उसने खर्चा कर डाला था। एक पण घोड़ो खपतो न होतो, एक भी घड़ा बिका नहीं था। एनी कीमत सांभळी ने सौ पाछा वड़ी जता, उसकी कीमत ही इतनी ज़्यादा थी और घड़े भी इतने अच्छे थे, लेकिन कीमत ज़्यादा थी तो कोई लोग कीमत पूछ के फिर चले जाते थे। फिर पेज नंबर 48 पर देखो, आखरे केसरिया वडोदरा ने राम राम करीने गरणी भेगा थई जवानो निर्णय कर्यो। आखिर तो क्या किया, घड़े बेच नहीं रहे थे तो केसरिया ने क्या सोचा, बरोड़ा को मैं राम राम कर देता हूँ और मेरा गरणी गांव जहाँ पे था वहाँ पे मैं चला जाता हूँ, ऐसा निश्चय कर लिया था। वडोदरा ऊपर भगवान सूरजदादा नो तेज पथरवा मांड्यो छे। बरोड़ा के ऊपर भगवान सूरजदादा का तेज बिछाना हुआ है। जातवेंत 5 घोड़ाओं ने दोरी ना वाला केसरिया वडोदरा ने वेगड़ू मुकवा पोग उपाड़े। कितने घोड़े थे उसके पास? 5 घोड़े थे। और 5 घोड़े की दोरी पकड़ के फिर क्या कर रहे थे, बरोड़ा को छोड़ के निकलने के तैयारी कर रहे थे। पानी पंथा घोड़ाओ अने पाछा वगर असवारना पछी एनी चाल में पूछवुं शुं। पानी पंथा याने पानी का पुर जैसा जल्दी से दौड़ता है, इसी तरह उसके घड़े की वेग भी इतनी, दौड़ने की गति उसकी चाल थी, तो उस पर बैठ गया और फिर वहाँ से निकलने लगा। केसरिया एक घोड़ा ऊपर रंग वाली और केसरिया एक घड़े पे बैठा था, बाकी के 5 घोड़ाओं एनी फरता थनगनता चलवा मांडिया और बाकी के घड़े उसके आजू बाजू में चलने लगे। जायदी खजूरनी याने जायदी याने एक खजूर के एक जात है, वान याने उसका रंग कैसा है। जायदी वान पेशी जेवो हाथ मुको तो लपसी जाए वी सुवाणी चमकती चामड़ी। किसकी? उस घोड़े की। कैसी? हाथ जब भी रखो उस पे तो वो सरक जाए, इतनी चमकीली चमड़ी थी। कान सरी ने दौड़िए चढ़ावता था। फिर आगे देखो, जाने भगवान ने घरे थी मलमल ओढ़ीने आव्या होय एवा घोड़ाओ रमते चढ़िया छे। जैसे कि भगवान के घर से मलमल पहन के आए होंगे ऐसे घड़े चमकते हुए थे। वालानु मन आज वडोदरा माथे थी उठी गयू छे। उसके घड़े नहीं बिके, फिर परेशान हो के वो वहाँ से वापस जा रहे थे, तो वाला के मन बरोड़ा से उसका मन उठ गया था। झट पोताना गाम गरणी भेगा थवा मन में अजंपो जाग्यो छे और जल्दी से जल्दी मैं मेरा गाम गरणी में चला जाऊँ तो ऐसा उसका मन में हुआ था। पण गरणी काई घोड़ा ने घरे थोड़ू छे, लेकिन गरणी गाँव क्या घोड़ा का गाँव है, इतने पास में थोड़ा है। वाट खर्ची नी वदली 500 रुपया नी वासणी केडे बांधी छे और वाट खर्ची यानी के रस्ते में जो चाय पानी खर्चा पानी के लिए जो 500 रुपये थे और ये बांसुरी के साथ कमर में बांधी थे, पोतानी खोराकी ने घोड़ाना जोगणनी जगह एमां भली भात्य ज थासे। और सोच रहे थे कि
मेरा खर्चा पानी, मेरा खुराक पानी और घोड़े की जगह जगवाई करने के लिए ये पैसा तो पूरा नहीं हो पाएगा। वडोदरानी बहार पग दीधो त्यां तो एक खोडामांथी गोदड़ा ठाम वासण घरनी नानी मोटी तमाम जणसोनो ढगलो जाते भाड़ियो। बरोडा गांव से वो बाहर निकल रहा था तो उसी समय वहाँ पे एक जगह पे गद्दे थे, ठाम वासण थे, घर की सभी छोटी बड़ी चीज़ें थे वहाँ पे, और उसे उसने देखा। बेक डोगला आगड़ चालियो त्या नाना छोकरा ना काड़जा कंपावे एवा काड़ा बोकासा संभळाया। दो कदम आगे चले तो उसके बाद वहाँ से ये घर का सब बिस्तर थे, बर्तन थे, सब सामान थे घर का सामान, और वहाँ से दो कदम आगे बढ़ गया और छोटे बच्चे का आवाज, कलेजा कंपावे, कलेजा को ध्रुजावे ऐसा आवाज सुना। कुणा है या वाला वाला केसरिया, कुणा है लिया हैया वाला, याने कुणा याने बहुत नाजुक दिल वाला जो वाला केसरिया था। घोड़ा नी लगाम तनाई गई, घोड़े की लगाम को खींच ली, तमाशो जोवा टोड़ू भेगू थयू होतो, और उसको तमाशा देखने के लिए पूरे लोग इकट्ठे हुए थे। घोड़े थी उतरी ने टोड़ा ने विंधी ने वालो घर नी लगोलग जईने उभो रह्यो। घोड़े से नीचे उतरा और जे लोग इकट्ठे हुए थे भीड़ में से वो अंदर होके घर के पास में पहुंच गए। जोताज केसोरियो मामलो पामी गयो और देखते ही केसोरियो उस लोगों पे दया करने लगे। लेनदार नी टाप उतरी होती, लेने वाले की टाप उतरी होती, क्या लेने वाले थे? टाप यानि फौज, लेने के लिए लोगों वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। गाभा गोदड़ा ठाम ठीकरा ठेबे आवता होता, ढाबा गोदड़ा ठेम ठीकरा लेने के लिए ये सब सामान था घर का, उसको खरीदी करने के लिए के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। युवान मराठा ना मोह पर मस वड़ी गई होती, और एक युवान मराठा था उसको लेने के लिए मस याने क्या बच्चों, मस याने लाचारी, क्या लाचारी, वो लाचार था। फिर बोले आगे देखो, टाप लेने आवनार सेठ ऊपर वाला ये नजर धोवी सवाल करियो, और वो लेने वाले जो सेठ थे उसके ऊपर वो वाला केसरिया ने नजर का सवाल किया। सेठ केटला रुपया नु लेनो, और उस सेठ को पूछा, सेठ आपने ये कितने रुपए का लिया है, आंकड़ो बोलो, कितने रुपए का लिया है वो आंकड़ा दे दो मुझे। भाई तारो मारोग तारी राह जुए छे, और वो सेठ बोला, भाई आपका मारोग है वो रास्ता आपके इंतजार कर रहा है, हाल तो था याने तू वहाँ से चले जा। सेठ ना आवाज माथी तिरस्कार छूट्यो, और सेठ के मुंह में से आवाज में से ऐसा तिरस्कार यानी गुस्सा आ गया, नफरत आ गई। बाप बोलो केटलानू लेणू, ने पछी फिर पाछो बोले छे वाला केसरिया के, बाप आप तो बोलो कितने का लिया है, आ छोकराना आहुड़ा मारा थी जोवाता नहीं, इस लड़के के आँखों से आंसू मुझसे देखा नहीं जाता। सेठ नो मिजाज तरडायो, और सेठ का मिजाज गया, आव्यो मोटो केटलानू लेणू, तू कहाँ से आया बड़ा, कितने का लिया है पूछने वाला, दातार नो दिक्रो यानी दानी का दिक्रा, तू कहाँ से ये पूछने वाला आ गया।
ખેસ ફોંગાડતા શેઠે કહ્યું, ખેસી અને જો માથે પે પગડી બાંધી હોઈ થી ઉસકા જો થોડા ભાગ નીચે એસા હી રહેતા હૈ તો ઉસે ખેસ કહેતે હે. તો એ ખેસ મેં સે ક્યા બોલતે ફી. ખેસ ફોંગાડતા શેઠે કહ્યું, બોલ રૂપિયા 500 નું બિલ ભરવું છે. કે બોલ રહા થા, બોલ રૂપિયા 500 કા બિલ ભરના હૈ આપકો. ઓર વાલા કેસરિયા કે પાસ કિતને રૂપિયે થે, ઉસકે પાસ ભી 500 રૂપિયે હી થે. એક પડને બીજી પડે કેસરિયાએ કેડિયેથી વાંસળી છોડી મૂળાના પતિ કા જેવા 500 ગણી દીધા. એક હી પલ મેં ઓર દૂસરી પલ મેં તો વાલા કેસરિયાને ક્યા ક્યા થા કમર સે બંધી હુઈ બાંસુરી કે સાથ મેં ઉસને જો 500 રૂપિયા ઘડી કી કે રખી થી ઉસે નિકાલ કે દે દી. ઉપરથી ફિરોઝ તો ઉતર્યો હોય એવું જુવાન મરાઠાને લાગ્યું. ઉપર સે ફિરોઝ તો, ફિરોઝ તો યાને ક્યા બચ્ચો, યે કોઈ દિલદાર માણસ યહાં કોઈ મદદ કરને આ ગયે હોય એસા ઉસકો લગા. પ્રામાણિકતાની પછેડી ઉપર પગ દઈને જીવતા યુવાન મરાઠા રાઘોબા ફાટી આંખે વાલા કેસરિયાને જોઈ રહ્યા. વાલા કેસરિયા કિસ તરફ દેખ રહ્યા હતા કે ઉસમે પ્રામાણિકતા કિતની થી, ઉસમે લોગો કે લીએ દરિદ્રતા કિતની થી. ઓર એસે લોગો કો દેખ કે યુવાન મરાઠા રાઘોબા ઉસકી આંખ ફટ ગઈ ઓર વો દેખતે હી રહે ગયે વાલા કેસરિયા કો. આગે દેખતે હૈ બચ્ચો 49 પેજ નંબર પર. સદાય ખુમારીમાં તરબળ રહેતા રાઘોબાના મનમાં કાઠિયાવાડી પાઘડીવાળો વાલો કતરાઈ ગયો. ઓર સદાય કે લીએ ખુમારી સે બોલને વાલા રાઘોબા કે મન મેં વો કાઠિયાવાડી વાલો કેસરિયો વો પાઘડીવાલા થે ઉસકે દિલ મેં ઉતર ગયા. ફિર પૂછને લગા રાઘોબા તમારું નામ. ફિર બોલતે હે નામ ભગવાનનું, કામે ભગવાનનું. બોલતે હે નામ ભી ભગવાન કા હૈ ઓર કામ ભી ભગવાન કા હે. બોલીને ઘડે ચડીને હાલવાની તૈયારી કરતા ઇતના હી બોલ દિયા ઓર ઘડે પે ચડને કી તૈયારી કરતે હુએ કેસરિયાના ઘોડાની વાદ્યો પકડીને જુવાન મરાઠો ચાલ્યો ગયો. ઓર ઘડે કી લગામ પકડ કે ફિર ઘડે પે બેઠ કે વાલો કેસરે વહાં સે નિકલ ગયા. વહાં 500 રૂપિયા દેખે. તમારું નામ ઠામ ન આપો તો તમને મારા છોકરા ના સમજે. ઓર રાઘોબા ક્યા બોલે થે, આપકા નામ મુજે નહીં બતાવોગે, નામ ઠામ નહીં પતા નહીં બતાવોગે તો મેરે બચ્ચે કા કસમ ખાતા હું. મેરે બચ્ચે કી સમ હૈ આપકો. લાચાર બનેલા વાલાએ એ બોલ કીધા ઓર લાચાર હો ગયા વો વાલો કેસરિયા ઓર ઉસકે મજબૂર હો કે ફિર ઉસકા નામ બતાના પડા. મારું નામ વાલો કેસરિયા, મેરા નામ વાલો કેસરિયા હે. ગામ મારું ગરણી, મેરા ગામ કા નામ ગરણી હે. અમરેલી પર ગણાનું લ્યો રામે રામ. અમરેલી પર ગણાયાને અમરેલી જિલ્લે મેં, અમરેલી જિલ્લે કા જો રાજા હે વો બોલીને વાલાએ ઘોડાને હાંકી મૂક્યો. ઇતના બોલ દિયા ઓર વાલા કેસરિયા ઘોડે પે બેઠે તુરંત ઘોડે સે વહાંસે ચલા ગયા. મરાઠાના છોકરાના આંસુ લૂછીને નીકળેલા કેસરિયાએ રોનોલીમાં એક ઘોડો વેચીને વાટ ખર્ચી કાઢી લીધી. મરાઠા વહાંસે નિકલ ગયા. ઉસકે પાસ ભી 500 રૂપિયા બચે થે વો વહાં પે રાઘોબા કે બચ્ચે કી દયા ખા કે વહાં દે દિયા. ઓર ફિર રાસ્તે મેં ગયે તો કેસરિયાને એક રોનોલીમાં, એક ગામ કા નામ હૈ રોનોલી તો ઉસ ગામ મેં એક ઘડે કો બેચ દિયા ઓર ઉસકા ખર્ચા પાણી વહાં સે નિકાલ લિયા. વાત ઉપર દોડદાઈ કો ગોડ થેલિયા ખાઈ ગયો. યે બાત તો ક્યા હુઈ થી. દોડદાઈ કો યાને દોડ સાલ બીત ગયા ફિર ભી યે ક્યા કર રહે થે. દોઢ દાયકા બીત, દોઢ સાલ બીત ગયે થે ફિર ભી
वो गंडेलिया खाई गयो। गरणी गाम माथे प्रभात में पथरावा मांडियो छे। गरणी गाम के सिर पे प्रभात हुआ है और उसमें एक तेज पत्थरा ने लगा। कौन सा? वो वालो केसरियो। इतना अच्छा आदमी इस गांव में बसता है और बहुत दयावान है, ऐसा सब गांव में चर्चा होने लगी। करुणिका ना लीला कुंजार कांठा ऊपर बैठेला भगवान गणेश्वर ना मंदिर में ब्राह्मणों ना मंत्रोच्चार गूंजी उठ्या छे। करुणी की नदी के किनारे हरे हरा कुंजर में हरे हरे बड़े बड़े घटादार पेड़ थे। उस पे बैठे हुए गणेश्वर का मंदिर में ब्राह्मणों का मंत्रोच्चार गूंज उठा है। खिले थी छूटी ने ढोर धण में जोई रहा छे और खिले से जहाँ पे बंधे हुए वो खिले से बांधा हुआ था वहाँ पे से धण में यानी कि जगह पे अपने अपने जगह पे वो ढोर जा रहे थे। बराबर एने टाड़े गाम में अमरेलियाना दस घोड़े सवार दाखल थे। बराबर ऐसे समय पे गाम में अमरेलियाना दस घोड़े सवार दाखल हुए थे। कदावर काया राजना पोशाक में ढंकाई गए थे। कदावर यानी उसका शरीर का आकार कैसा राजकाज के राजवाड़ी लोगों हो ऐसे पोशाक में वो ढंका हुआ था। दरेकना खोबा में जामनगरी झंझाड़ियों झूलती आवे छे। जामनगरी झंझाड़ियों क्या थे उसके पास? जामनगरी यानी जामनगर का એવી ટાણે ગામમાં અમરેલીમાં દોષ ઘોડે સવાર દાખલ થયા। કદાવર કયાના રાજ પોશાકમાં ઢંકાઈ ગઈ। દરેકના ખોબામાં જામનગરી ઝંઝાડી ઝૂલતી આવે છે। મો ઉપર પંથ કાપ્યાની ધૂળની રજ જણ ઉડેલી છે। ઉસકે મુંહ પે ક્યા થે? પંથ યાને રાસ્તા। રસ્તા મેં જબ ઇતને સારે રસ્તે કટકે આયે હે તો ઉસમે ધૂળ ભી લગી હુઈ થી। ઉસકા રજકણ ભી ઉડે હુએ થે। આંખિયોમાં રતાશ ફૂટેલી હતી ઓર આંખમે ક્યા થે? લાલી છા ગઈ થી। માથા ઉપરના સાફાના ખાખી છોકા પવનમાં ફગફગી રહ્યા હતા। સિર કે ઉપર કે જો ફેટે બાંધે હુએ થે ખેંચ ઉસકા છોકા ઉસકા પવન ભી ફગફગી રહ્યા થા। ફર ફર ઉડને લગા થા। અણધાર્યા રાજના સિપાહીઓ ગામમાં આવેલા ભળી માણસો હેપતાઈ ગયા। અણધાર્યા યાને સોચા ભી નહીં થાય એસા બિના સોચે રાજ કા સિપાહી ગામ મેં આ ગયે થે। ઉસકો દેખ કે લોગ હેપતાઈ ગયે થે યાને વિચાર મેં સોચ મેં પડ ગયે થે। વાલા કેસરિયા નામનો માણસ ક્યાં રહે છે? તો વાલા કેસરિયા નામ કે લડકે કહાં પે રહેતે હૈ? સિપાહી પૂછ્યો। સિપાહીને પૂછા। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો એકમ અહીંથી